न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस बुलेटिन में अरविंद कुमार सिंह। लखीमपुर खीरी में हुए नगर निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद स्थानीय विजयी प्रत्याशियों ने यह साबित कर दिया कि हमारे जैसा जुझारू और कर्मठशील प्रत्याशी कोई नहीं है। और ये बातें वहां के चुनाव परिणाम आने के बाद साबित हो गई है, क्योंकि चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी प्रत्याशियों ने विकास कराने का डंका पीटा था, लेकिन जनता ने उन्हीं को चुना जो वाकई में ईमानदार और कर्मठशील प्रत्याशी हैं। आज हम आपको विस्तार से बता रहे हैं कि लखीमपुर खीरी में कौन और कहां से जीत हासिल किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बताते चलें कि गोला नगर पालिका से निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी अग्रवाल तो लखीमपुर खीरी नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी निरुपमा मोनी वाजपेयी ने जीत हासिल की है, तो मोहम्मदी नगर पालिका से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संदीप तथा पलिया नगर पालिका से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी महमूद हुसैन ने विजय प्राप्त की है। खीरी नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधा निषाद तो धौरहरा नगर पंचायत से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी सना खान तो वहीं ऑयल नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप गुप्ता ने विजय प्राप्त की है। मैलानी नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी सत्यवती तो वहीं सिंगाई नगर पंचायत से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उत्तम मिश्रा ने जीत हासिल की है तथा बरबर नगर पंचायत से निर्दलीय प्रत्याशी नसरीन बानो भारी बहुमत से जीत हासिल किया है। फिलहाल जीत के बाद सभी प्रत्याशियों के समर्थक जश्न में डूबे हुए हैं।